तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई लोग, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाला न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है सेवर और दूसरा हमारा कैरेक्टर है डीजे अलोक। तो भाई लोग, हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने वाले कि इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट होने वाला है। और गाइस, अगर आपको ये जो न्यू कैरेक्टर आने वाला है उसकी एबिलिटी नहीं मालूम है तो आप आज आपको इसकी एबिलिटी भी जानने को मिलेगी और उसका लुक कैसा है वो भी जानने को मिलेगा। तो भाई लोग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानना है तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप भी जान सके कि हमारे फ्री फायर में न्यू अपकमिंग कैरेक्टर जिसका नाम है सेवर वो आने वाला है उसकी एबिलिटी क्या है। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस, इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं डीजे अलोक और सेवर को। गाइस मतलब कि दो में से कौन सा सबसे अच्छा है, एक तो हम लुक वाइज बात करेंगे और दूसरा एबिलिटी वाइज बात करेंगे, मतलब कि दो में से कौन सा सबसे अच्छा है वो हम देखेंगे। तो गाइस, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वो लुक वाइज मतलब कि कैसा दिखता है हमारा सेवर। तो भाई यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे हो, ये है हमारा सेवर का फोटो। और भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो, कतई खड़ूस लग रहा है यहाँ पे हमारा सेवर और कतई खतरनाक लग रहा है, मतलब कि ये अगर फ्री फायर में आ जाएगा तो तबाही मचाने वाला है। मतलब कि ये ऑलरेडी बहुत ही खतरनाक लग रहा है और उसका एनिमेशन टाइप कैसा होगा वो कुछ पता नहीं है, लेकिन गाइस इसका सिर्फ फोटो सामने आए इसलिए मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। और गाइस, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे सबके प्यारे डीजे अलोक के बारे में, मतलब कि डीजे अलोक का लुक कैसा है वो भी हम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा मासूम सा भोला सा डीजे अलोक जो सबके दिलों में बसा हुआ है। पहले मतलब कि यहाँ पे आप लोग लुक वाइज किसको विनर बनाओगे? गाइस मैं तो यहाँ पे डीजे अलोक को ही विनर बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे डीजे अलोक एकदम मस्त दिख रहा है और यहाँ पे सेवर के मुकाबले मतलब कि डीजे अलोक बहुत ही ओपी वाला लग रहा है। तो गाइस, आपको कौन अच्छा लगा, सबसे अच्छा कौन लगा आप इन दोनों में से, वो मुझे कॉमेंट जरूर कर देना। तो चले गाइस, यहाँ पे मतलब कि लुक वाइज तो मतलब कि हम कंपेयर नहीं कर सकते, जो भी कैरेक्टर आता है उसका मतलब कि एबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब कि उसका एबिलिटी क्या है, मतलब कि जैसा ही उसका एबिलिटी वैसे ही सब उसको पसंद करेंगे, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो भाई लोग चलिए, हम देख लेते हैं कि इसकी एबिलिटी क्या है और ये हमारा जो सेवर कैरेक्टर है वो क्या काम करता है डीजे अलोक के मुकाबले। तो चले गए, वो भी हम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हम फर्स्ट फॉलो बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर का न्यू अपकमिंग कैरेक्टर सेवर के बारे में। तो भाई लोग यहाँ पे मतलब कि सेवर की एबिलिटी क्या है वो अभी तक किसी ने नहीं बताई है और ना ही अभी कोई बताने वाला है क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपके भाई को पता है तो भाई मैं आपको बता देता हूँ इसकी एबिलिटी क्या है। तो गाइस यहाँ पे मतलब कि इसकी एबिलिटी थोड़ी सी मैच हो रही है हमारे हयाटो से, मतलब कि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोग ये कैरेक्टर लोगे तो यहाँ पे वो ना आपको थोड़ा एचपी कम देगा और डैमेज थोड़ा ज्यादा देगा, ये इसकी एबिलिटी है। मतलब कि बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छी एबिलिटी नहीं लगी, आपको लगी कि नहीं मुझे जरूर बता देना। और गाइस यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं हमारे डीजे अलोक की एबिलिटी के बारे में। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारे डीजे की एबिलिटी कुछ ऐसी है कि अगर आप लोग इसकी एबिलिटी यूज करोगे तो 5 मीटर तक आपके आसपास एक रिंग जैसा बना हुआ होगा, उसमें अगर आप लोग का टीममेट रहेगा तो उसको भी हीलिंग मिलेगा और आपको भी हीलिंग मिलेगा 10 सेकंड तक, ठीक है, ऐसा कुछ इसका एबिलिटी है। तो भाई लोग यहाँ पे आपको, आपने जान ही लिया होगा कि सेवर की एबिलिटी क्या है, वो आपको एचपी कम देगा, मतलब कि अगर आप लोग का 200 एचपी आता है तो आपको 180 या 190 ही एचपी देगा, मतलब कि 10 या 20 एचपी कम देगा, लेकिन वो बंदे को डैमेज ज़्यादा देगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों की एबिलिटी बहुत अलग है। तो भाई यहाँ पे आप लोग को दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। और भाई लोग यहाँ पे एक साइड है हमारा डीजे अलोक और एक साइड है हमारा सेवर, जहाँ पे सेवर आपको एचपी कम देगा लेकिन बंदों को डैमेज ज़्यादा देगा और दूसरी साइड है हमारा डीजे अलोक जो आपको एचपी ज्यादा देगा। गाइस मतलब कि यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा है यहाँ पे कैरेक्टर के बीच में। तो भाई लोग यहाँ पे मैं तो लुक वाइज तो यहाँ पे विनर बनाऊंगा डीजे अलोक को। और गाइस आप लोग एबिलिटी के वाइज किसको डीजे अलोक को विनर बनाओगे या सेवर को विनर बनाओगे वो मुझे कमेंट जरूर कर देना। गाइस यहाँ पे मतलब कि हमारा तो डीजे अलोक ही ओपी कैरेक्टर है। पहले यहाँ पे हमारा फ्री फायर इतना ज़्यादा कैरेक्टर लाता है लेकिन उसकी कोई किसी भी कैरेक्टर की टंकी एबिलिटी नहीं होती है। और यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा सेवर कैरेक्टर भी आ चुका है लेकिन वो हमारा एचपी है वो कम देता है और बंदूक का डैमेज ज़्यादा देता है, मतलब कि उससे अच्छा तो भाई हमारा एलर्ट हयाटो है, वो तो कुछ तो काम करता है मतलब कि। तो भाई लोग यहाँ पे आप लोग को दोनों में से कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करना। और भाई लोग आपको ये जो हमारा न्यू कैरेक्टर आ रहा है सेवर, उसकी एबिलिटी अच्छी लगी कि नहीं वो भी मुझे जरूर बता देना। और हाँ भाई लोग, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मुताबिक तो भाई यहाँ पे डीजे अलोक की बेस्ट है, डीजे अलोक ही सेवर को हराएगा और कोई नहीं हराएगा। तो भाई लोग यहाँ पे आपके मुताबिक कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है और भाई लोग आपको यहाँ पे सेवर की एबिलिटी पसंद है कि नहीं वो मुझे जरूर कमेंट कर देना। और भाई लोग आपको अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हमारे फ्री फायर में कुछ न्यू अपकमिंग आने वाला है वो क्या है। तो भाई लोग फटाक से जाओ और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय गाइस, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। बाय बाय।